मिर्चा के पास हमें गुफा दिखी है और यहाँ पे हमें रॉक पेंटिंग मिली है। इसके बारे में कहीं उल्लेख नहीं है, ये हमने ढूंढी है। तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स आपने मेरे पहले के वीडियोस में देखी होगी। ये पेंटिंग्स अलग अलग एरा की हो सकती हैं, 20,000 साल से लेकर 3,000 साल पुरानी भी हो सकती है। यहाँ पर एक नीचे गुफा भी है, ये देखिए। तो गुफा की तरफ हम लोग जा रहे हैं और दिखाते हैं भाई, शेर रहता हुआ पहले कभी। हम जब नीचे जा रहे थे तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम लोग आज क्या खोजने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेट बुक्स या फिर रिसर्च पेपर में कहीं भी इस एरिया, बरई वाला जो एरिया है, यहाँ पे कोई रॉक पेंटिंग्स का उल्लेख कहीं भी नहीं है। पता नहीं किस जानवर की होगी उस जमाने में। और यहाँ से आप नजारा देखिए, रॉक पेंटिंग है कुछ है, है। भाई फोटो खींचो कैमरा, एक मिनट रुको, देखते अंदर जाके क्या क्या मिल रहा है। ये देखो है यहाँ पर भाई, बहुत बड़ी खोज होगी भाई, मैं बता दूंगा। अरे हैं हैं हैं, ये देखो, अरे रॉक पेंटिंग मिल गई, रॉक पेंटिंग बनी यहाँ पर बाबा, मिल गई आदि मानव वाली, बहुत सारी है, एक आध नहीं है। ये देखिए रॉक पेंटिंग एक, है यहाँ पर भी एक ऊपर देखो, संभाल के आप आ रहे हो क्या, ये बनी हुई है, ये देखिए, ये देखो ऊपर साइड में, ये पूरी की पूरी रॉक पेंटिंग है जो हम लोग को पहले पहाड़गढ़ में देखने को मिली थी वैसी है। हेलो, हाँ, अरे वहां तो बिल्कुल क्लियर है यार, देख सामने साफ दिख रही है, साफ देखो सामने। मेहता भैया आओ, रुको मेहता भैया की हेल्प करते हैं जरा, वो बने हिरण जैसे बसा रहे, दीवाल पकड़ के जाओ बस, देख लो, देख लो, कैमरा पकड़ो, कहाँ पे, अरे वो रही है, अच्छा हाँ बैग को जा रख देते, ऊपर नहीं है क्या, हाँ ऊपर दीवार में बनी है। तो आज बरई ग्वालियर के एक छोटे से गांव मिर्चा के पास हम पहाड़ के अंदर एक गुफा को एक्सप्लोर कर रहे थे और उसी में हमें पहले लाल रंग का रंग दिखा दीवारों पे, मिटरा हुआ था कुछ, हमें समझ में आ गया यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स हैं। हम आगे थोड़ा गए, थोड़ा खतरनाक रास्ता है, काफ़ी डेंजरस, रिस्क लेके हम लोग आगे गए और हमें रॉक पेंटिंग्स दिखी जो सही कंडीशन में थी। यहाँ पे जो हमें रॉक पेंटिंग्स दिखी ज़्यादातर जानवरों की दिखी, यहाँ पे आसपास काफी जानवर हुआ करते थे। अभी भी ये सोनचरिया अभयारण्य में आता है एरिया। यहाँ से कुछ 50-60 किलोमीटर दूर ही पहाड़गढ़ की जो गुफाएं हैं वो भी मिली थी, वो इस पहाड़ के दूसरी तरफ है, हम पहाड़ के इस तरफ हैं, ग्वालियर वाली तरफ, इस पहाड़ के मुरैना वाली तरफ पहाड़गढ़ वाली रॉक पेंटिंग मिली है। इसका मतलब यहाँ पे भी बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स हो सकती है, अभी तो हम बस एक ही मिली है, ऐसी और भी आगे गुफाएं हैं इस पूरे पहाड़ के एरिया में, लेकिन यहाँ पे जंगल और पेड़ बहुत हैं तो हर जगह पहुँचना बहुत मुश्किल है, शायद इसीलिए आज तक यहाँ पे कोई शायद नहीं पहुँचा हो। इन पेंटिंग्स के बारे में मैंने कहीं भी बुक पे नहीं पढ़ा, मतलब पास में मंदिर है नलकेश्वर का, वो भी बहुत काफ़ी ऐतिहासिक है, तो उसके पास ये जगह है और इसके बारे में मैंने कहीं भी ऑनलाइन या किसी बुक में नहीं पढ़ा। ये देखिए यहाँ भी एक कलर मिटर दिख रहा है आपको, ये मिटर गया है, लोगों ने अपना नाम भी लिख दिया यहाँ पे, ये मॉडर्न कलाकृति है। लेकिन कम लोग आए हैं पता है, अगर लोग आए होते ना तो यहाँ पे कचरा कचरा पड़ा होता है, बहुत कम लोग आए हैं, बात क्योंकि दिखती नहीं है भाई, ये दिखती नहीं है, ये तो किस्मत से दिख गई हमें। पहले ये देखिए मुझे रेड वाले यहाँ पे, ये मैं कुछ है यहाँ पे, आगे पहुँचा मैं तुरंत। तो अभी हम लोग क्या है यहाँ पे देखिए, ये जो रिज है ना, यहाँ से मैं एक बार क्या गलती से किसी ने देख लिया था, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही आए थे, तो उस वक्त हमें कुछ समझ में नहीं आया, मतलब मैं नीचे आया नहीं था तो मुझे समझ में आया नहीं था, मैं नीचे आया नहीं था। आज क्या हुआ, डेढ़ भैया लोगों को मैं दिखाने लाया और क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है आना तो मैं आया नहीं था, तो आज डेढ़ भैया लोगों ने इन्होंने एकदम से बोला कि यार ये रॉक पेंटिंग हो सकती है, तो अंकित बोलता है शायद नहीं है भैया, ऐसे कुछ हो सकता है और कुछ हो, लेकिन आगे गए तो आगे बिल्कुल साफ रॉक पेंटिंग दिखी जो डेविड भैया ने अपने वीडियो में, मेरा कैमरा ले गए थे, उन्होंने बोला दिखाया आपको, तो आप डेविड भैया को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो रिस्क ली है वो भैया ने ली है, मैंने बस जगह ढूंढी है। और ये अंकित भैया ने सबसे पहली बार देखा था, इनका चैनल है इंडियन ट्रैवलपीडिया के नाम से, इनको भी सब्सक्राइब करें, है ना, इन्होंने बहुत रिस्क लेके वहाँ तक गए, सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, शायद ग्वालियर वाले लोगों के लिए मतलब की चीज़ नहीं है, लेकिन अगर बाहर के अगर आप लोग देखोगे तो आगे जो जिन लोगों का मतलब होगा वहाँ तक पहुँच जाएगी, वहाँ तक पहुँच जाएगी वीडियो हमारी। तो लाइक तो जरूर करें, शेयर जरूर कर दिया करें, अगर आपको समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक शेयर कर दें, उससे क्या वीडियो की रीच बढ़ेगी आगे और लोगों तक पहुँचेगी। तो इस तरीके से हम लोग आए थे, ये खतरनाक रास्ता है, देखो नीचे खाई है बिल्कुल, और मेरे जैसे वजन के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरा। चलो आ जा,
ये रोड से 10 मीटर भी नहीं होगा मुश्किल से, लेकिन ये आपको दिखेगा नहीं रास्ता, ना दिखना चाहिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि रिस्की बहुत है, आप देख के आ जाओ और गिर जाओ। जिनके मतलब की जगह वही है, जानवर भी हैं यहाँ पे बहुत, पूरा जंगल ही है, जंगलों में रोड बन गई है आजकल, नहीं तो पहले कहाँ रोड थी। हम लोग जब पहाड़गढ़ गए थे तब भी हमें बहुत बड़ा अचीवमेंट महसूस हुआ था, और आज भी एक अचीवमेंट महसूस है कि हमने कुछ नया खोजा है। पहाड़गढ़ तो हमने नया नहीं खोजा था, लेकिन ये कुछ नया है थोड़ा सा। शायद पहले लोग आते नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि रोड अभी बिल्कुल ही 5-6 महीने पहले ही रोड बनी है। पहले तिगरा से रोड थी, लेकिन यहाँ तक नहीं थी, यहाँ अभी बनी हुई है। ऐसी ही अनोखी जगह हम ढूंढते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।